शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध कर्म करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल का जवाब आप आ सकते हैं आचार्य जी से नंबर्स पर कॉल करके। हमारा नंबर है 01207153787, 01207153826। इन नंबर पर आप कॉल करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय हमने रखा है वो है पितृपक्ष को लेकर, जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और पिंडदान जो होता है उसको करते समय ऐसी कौन सी विशेष सावधानियां हैं, किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और कैसे सही तरीके से इसे करना चाहिए, इस बारे में हमारे दर्शक आज जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। श्राद्ध में अर्घ, पिंड और भोजन के लिए चांदी के बर्तनों का उपयोग करना बहुत श्रेष्ठ माना गया। श्राद्ध का भोजन चांदी या कांसे के बर्तन में यदि आप खिलाते हैं तो बड़ा ठीक होता है। तो आजकल पत्तल का उपयोग कर रहे हैं लोग, तो यहाँ ये पत्तल निषेधी है। और आप ही मान के चलें कि पितरों के लिए हमेशा दोपहर में श्राद्ध करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों को दोपहर के लिए भोजन का आमंत्रण देना चाहिए। लोग शाम को दे रहे हैं, रात में बुला रहे हैं, ये भोजन का टाइम नहीं है। पितरों की कृपा पाने के लिए आपको कुछ नियम ध्यान रखने पड़ेंगे और पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते समय यदि आपने नियमों के पालन किए तो इसका बड़ा लाभ होगा। केले के पत्ते मिट्टी के बर्तन में श्राद्ध भोजन नहीं परोसना चाहिए। अब आजकल पत्तलों में, केले के पत्ते में या फिर मिट्टी के उसमें पात्र में भोजन करा रहे, ये ठीक नहीं है। श्राद्ध कर्म के लिए गाय के घी, दूध, दही का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है, दूध नहीं है, तो फिर आप अन्य घी ले दूध यूज कर सकते हैं, प्राथमिकता गाय के घी को। अच्छा, श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को मौन रह करके भोजन कराना चाहिए। अब आप ब्राह्मण के पास बैठ जाते हैं, फिर उनसे सारे उसी समय समाचार पूछते हैं, सारी बातें करते हैं भोजन करते समय, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, निषेध है सब बातें। श्राद्ध के लिए गंगा जल, दूध, शहद और कुशा तिल का होना महत्वपूर्ण होता है। पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा होती है, उषा राक्षसों से बचाव करती है। तेल जरूर होना चाहिए, काले तेल। श्राद्ध का भोजन करते समय यदि कोई जरूरतमंद भिखारी द्वार पर आ जाए उस समय, तो खाली हाथ मत भेजो, उसको कुछ दे। श्राद्ध कर्म का पूर्ण फल नहीं मिलता है यदि आपने खाली किसी को भेज दिया तो। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन परोसते समय एक हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोजन को राक्षस छीन लेते हैं, इसलिए भोजन परोसते समय दोनों हाथों का इस्तेमाल होना चाहिए। एक ही हाथ से भोजन करा देते हैं वो ठीक नहीं, दोनों हाथों का इस्तेमाल होना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए क्रोध भाव में श्राद्ध का भोजन नहीं तैयार करना चाहिए। अन्न को कहीं गलती से पैर लग जाए तो बड़े माफी मांगनी चाहिए, अन्न के पैर नहीं लगना चाहिए। बनाते समय पूर्व दिशा में मुंह होना चाहिए, दक्षिण दिशा मुख नहीं होना चाहिए। और श्राद्ध के दिन ब्राह्मण जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराते समय गाय को, कुत्ते को, कौवों को और चींटियों को भोजन जरूर निकालना चाहिए। तो ये आज आपने चंद्रश्री जी बहुत एक शानदार बात कही है कि श्राद्ध कराते समय ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से श्राद्ध कर्म आपका आपको फलता हो, आपको लाभकारी हो, आपके लिए वो अच्छा हो। तो इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखने वाली बात जो आपने पूछी है, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि तर्पण श्राद्ध पिंडदान के कार्य महत्वपूर्ण माने गए हैं और ये हमेशा दोपहर में ही ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए शास्त्र मत मिलता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि रात को बुलाते हैं, जब ड्यूटी से आते हैं तो 8 बजे बुला लेते हैं कि आप भोजन करने आ जाओ। लोग सुबह सुबह जल्दी जाना होता है तो सुबह जल्दी करा के चले गए, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखिए आचार्य जी ने आपको बताया कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप
पिंडदान करते हैं और अगर पितरों का श्राद्ध आप अगर कर रहे हैं तो उनकी कृपा आपको कैसे पानी है, और शाम के समय आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको समय निकाल कर उनके लिए करना है, क्योंकि वो आप ही के परिवार का हिस्सा थे और क्योंकि वो पितृ बन जाते हैं और वो फिर उसके बाद आपको आशीर्वाद देते हैं अगर आप सही तरीके का सही तरीके से आप उनका पिंडदान करते हैं और सही तरीके से उनको याद करते हैं। तो आचार्य जी कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, के करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिएगा। 16 जनवरी 2002 टाइम है 11:35। पंडित जी इसकी ना एक पेन ड्राइव गुम हो गई है, इसमें इसके सारे डॉक्यूमेंट है, तो पंडित जी क्या ये घर में गुम हुई है या कोई बाहर वाला उसे उठा के ले गया, जब मिल जाएगी क्योंकि इसके सारे डॉक्यूमेंट है उसमें। आपको पहली बात तो ये, बेटा अभी आपकी छोटी उम्र है, आपको भारतीय धर्म संस्कृति के तत्वाधान में जीवन जीने को अवसर मिल रहा है, तो आपको ये संस्कार क्यों नहीं है कि आप सबसे पहले किसी से भी बात करने से पूर्व आप नमस्कार करें, जय श्री राम करें, प्रणाम करें, ये संस्कार बोल करके आप केवल डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पेन ड्राइव खो गई। भाई हमने आपको सुविधा दी, आपके सर्वेंट थोड़ी है कि आप ऐसे आदेश देंगे, रिक्वेस्ट तो होती है लेकिन आदेश नहीं देते, हम कोई सर्वेंट थोड़ी आपके कि आपकी पेन ड्राइव ढूंढ के देंगे, पेन ड्राइव नहीं मिलेगी, चलिए नेक्स्ट लीजिए जी। जी हम अगले कॉलर पर जा रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आज बोल सकेंगे लास्ट घर में रंग के आप एक एक करके बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो जी, जी आपको आचार्य मेरा सत सत नमस्कार है, आयुष्मान श्री राम जय राम जय जय राम जी। जी आपको भी नमस्कार है जी। और मुझे अच्छा जी ये बताएं कि मैं पूजा घर में अब रंग छेड़ रहा हूँ, तो उसमें रंग कैसा कराना चाहिए इसके बारे में राय दें। देखिए ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी है और सही बात है कि रंग का बड़ा महत्व होता है, सफेद या ऑफ वाइट, हल्का नीला पीला हल्के रंग पूजा कक्ष के लिए बहुत आदर्श माने गए हैं। प्रार्थना जहाँ करते हैं वहाँ शांत वातावरण, मन भी शांत रहे, उसके लिए काले भूरे या ग्रे जैसे गहरे रंगों से बचना चाहिए क्योंकि ये स्थान सकारात्मकता के लिए चुनते हैं, तो आप सफेद कराइए, ऑफ वाइट कराइए या फिर थोड़ा हल्का पीला करा दीजिए, ये सबसे ज़्यादा ठीक है। हल्का पीला रंग गेहूं रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा ठीक होता है, और फर्श के लिए भी हल्के पीले सफेद रंग के पत्थरी चुनाव करना चाहिए पूजा घर में। आपको बहुत मंगल शुभकामना है जी। अगले कॉलर का रुख करते हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे जी। पंडित जी मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2002। पंडित जी मेरा ना एक ना सामान गुम हो गया है, उसमें ना सभी मेरे कागजात मेरे डॉक्यूमेंट सभी उसमें है, वो बताइए घर पे है या किसी ने ले मिल जाएगा या कोई बाहर ले गया। देखिए ये नरेंद्र जी आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये आपके घर में ही है, आपको प्राप्त हो जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। ये काले रंग का हमें दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो आपके घर में ही आपको मिल जाएगा, आप घबराइए मत, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है वो काला रंग का दिखाई दे रहा है और घर में है, मिल जाएगा आपको, बहुत मंगल शुभकामना है जी। अगले कॉलर की ओर बढ़ रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आयुष्मान जय श्री राम। पंडित जी मैं मेरे लड़के के बारे में बोल रहा हूँ, लड़के का नाम है नथुपाल, जन्म तारीख है 13/5/1986, जन्म स्थान चूरू, जन्म समय दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच में, उसकी सरकारी नौकरी लगेगी महाराज। जी 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 देखिए बहुत स्वागत है आपको हमारे भागफल कार्यक्रम में,
सिंह लग्न में बच्चे ने जन्म लिया है, शनि की महादशा है पर गुरु का अंतर है, और ये इनकी सरकारी नौकरी लगना लगभग तय है, क्योंकि इनका सूर्य उच्चका भागेश में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। 2025 में संभव होता है, वैसे 24 में से बनेगा, 2025 में अवश्य लगेगी। आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन चावल डाल के और अर्घ देने का कार्य बच्चे से कराएं, और शनिवार के दिन गरीब अपंग ऐसा है दीनहीन की सेवा में तन्मयता से बच्चे को लगने के लिए कहें, और कुछ सेवा भी करें उनकी, अवश्य नौकरी इनको प्राप्त होती है। आपको एडवांस में बहुत शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद जी। अगले कॉलर का रुख करते हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो पंडित जी, आपको मेरा नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो रसोई घर होता है किचन, उसमें कौन सा कलर कराना चाहिए? अच्छा, आजकल ये सही बात है कि अभी चंद्री जी दिवाली आ गई है, तो आप सब लोग रंग वंग के चक्कर में रहते हैं। सही बात है, देखिए बेटी, रसोई में जो रंग होना चाहिए वो विशेष तौर पर शुभ रंग जो माना गया है वो सफेद रंग सबसे अच्छा रंग माना गया है, शांत और निर्मल स्वभाव का होता है ये, और आपके घर में शांतिपूर्ण माहौल रहे इसलिए सफेद रंग का शुद्धता और ताजगी और स्वच्छता मानी गई है। और किचन का रंग सबसे अच्छा जो है सफेद, ग्रे और बेज रंग का जो है शांत होता है, तो ग्रे रंग कर लो ये ठीक रहेगा। और नीले चमकीले रंग व्यक्तित्व और ऊर्जा को जोड़ते हैं, तो पीला या नीला रंग भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रे रंग आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि यह सबसे उत्तम रंग माना गया है। और यदि आपकी रसोई पूर्व में देखती है तो लाल रंग कराओ, दक्षिण में देखती है मेहरून कराओ, उत्तर में देखती है तो गुलाबी कराओ, और पश्चिम में देखती है नारंगी कराओ या भूरा कराओ। इस प्रकार से जो है ये होता है, पश्चिम दिशा वाली रसोई में मतलब सफेद रंग भी चलता है। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद जी। अगले कॉलर पे जा रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे बेटी। गुरुजी, मैं अपनी बहू के बारे में पूछना, उसका नाम है शीतल, डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 1989, तो टाइम का तो गुरुजी मुझे पता नहीं। तो गुरुजी, एक तो बहुत शीतल बीमार रहती है बहुत, और गुरुजी दूसरे उनके घर में सांप बहुत आते हैं, तो गुरुजी ये बताओ कि घर का दोष है या क्या है उनके घर में? देखिए आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है, इनके घर में सांपों का आना जाना पहले से ही रहा है, और उसका कारण है कि वहाँ कालसर्प दोष और पितर दोष जहाँ होता है वहाँ सर्पों का आना जाना रहता है। तो आप कृपा करके और गुरुवार के दिन दाढ़ी वाले जो संत होते हैं, बड़े बाल वाले जो त्यागी महात्मा कहलाते हैं, गुरुवार को बुला के उनको भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें और उनको प्रार्थना करें दोबारा ना आए। या फिर नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, पीले लाल कपड़े पहनते हैं भगवा, और भगवाई वो सभा बांधते हैं, ऐसे नाथ संप्रदाय के संतों को बुला के और गुरुवार के दिन भोजन कराएं, दक्षिणा दें, तो दोबारा सर्प नहीं आएंगे। और रासवाल, आपकी ये जो बच्ची की तबीयत खराब होने का है ये बिल्कुल ठीक रहेगी, काले तिल में थोड़ा बूरा और घी के छींटे लगा के इनके ऊपर से उसार के और चींटियों को पाव पाव 5 दिन डाल दें, यानी 1.25 किलो काले तिल चींटियों को डलवा दें संध्या के समय, ये ठीक हो जाएगी। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद जी। अगले कॉलर पे जा रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। गुरु जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ मुकेश गुरु जी, मतलब मेरी शादी में रुकावट आ रही, तो उसके लिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 6/8/2000 है। 6/8/2000 समय क्या है? समय सर 1:30 सुबह के। अच्छा, शहर क्या है, जन्म स्थान कहाँ है? राजस्थान। हाँ ठीक है, आपको बहुत स्वागत है। और देखिए भैया जी, आपकी शादी में निश्चित रूप से मैं देख पा रहा हूँ कि विलंब हो रहा है,
लेकिन आप के घर में पितृ दोष का होना होता है, तो आप कृपा करके बिल्कुल भी न रहे, आपकी शादी 2025 में जाके बैठेगी। तो आप अमावस्या के दिन जब श्राद्ध करें तो उस दिन अपने माँ का अपने पिताजी के सहयोग करिएगा, जो श्राद्ध कर्म करते हैं उसमें आप भोजन परोसने का काम करें, भोजन बनवाने में सहयोग करें, सफाई करवाएं, उनके लिए आसन लगवाएं, जो ब्राह्मणों को बुला के भोजन उनके पैर छुएं और पूरब में मुख करके फिर उनको प्रणाम करें। तो ये छोटे छोटे कार्य आप करिएगा, और ब्राह्मण जब आए भोजन करने तो उनको मौन रहने दीजिएगा, कहीं कोई बात ज़्यादा नहीं करें, भोजन की ज़्यादा प्रशंसा नहीं कराएं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं भोजन कैसा लगा हमारा, भोजन की प्रशंसा सुनना उनको बड़ा आनंद आता है। क्षमा कीजिए। तो ये सब आप करिएगा, और जो स्वान और जो अपने ये कौवा होता है उनको अपने हाथ से भोजन परोसने का कार्य करिएगा। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन ब्राह्मणों को नहीं कराएं, तो आप ये करिएगा। और उस दिन जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराने के साथ गाय कुत्ता कौवा चींटियों को भी अपने हाथ से भोजन दीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से 2025 में अप्रैल के बाद शादी हो जाएगी। और आप देखिए कि आपको उन्हें नाम भी बता देता हूँ, सह नाम की लड़की शादी होगी और आपके मकान से पूर्व दिशा में होगी, और वो चार बहन भाई होंगे, वहाँ आपकी शादी होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामना है, बहुत आशीर्वाद है जी आचार्य जी। और अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का, आज का हमारे दर्शकों का दिन कैसे जाने वाला है ये बता दीजिए। तो आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं मेष राशि से। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां आज प्राप्त हो सकती हैं, जो आपके लिए करियर में उन्नति का संकेत दे रही है। आप अपनी क्षमताओं को साबित करेंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त हो। परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने से पुरानी यादें आज आपकी ताजा होंगी। आज का भाग्यशाली रंग लाल है और आज का भाग्यशाली अंक 7 है। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के। आज दिन की शुरुआत मानसिक तनाव के साथ हो सकती है, इसलिए आपको योग का ध्यान का सहारा लेना चाहिए। आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की जरूरत है। किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। दिन के उत्तरार्ध में कुछ अच्छी खबर आज आपको प्राप्त होती है। खासकर किसी पुराने दोस्त से मुलाकात के दौरान आज आपको पानी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली रंग सफेद रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 4 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन पूरी ऊर्जा से भरा रहने वाला है। आपके कर्म और कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होने वाली है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक रूप से दिन बहुत सुंदर रहने वाला है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें। परिवार के साथ शाम बिताने का मौका मिलेगा, जो आपको मानसिक शांति देता है। भाग्यशाली रंग आज हरा रहेगा। भाग्यशाली अंक 9 रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों। कारक राशि के जातकों को आज भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। खासकर निजी संबंधों में और परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। आज कार्यस्थल पर किसी विवाद में न उलझे, संयमता से काम लें। दिन के अंत तक स्थिति सुधर जाएगी। पुराने मित्रों से आज मुलाकात संभव हो रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें। आज का भाग्यशाली रंग नीला है।
आज का भाग्यशाली अंक 5 है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन सफलता उन्नति के लिए पूर्णतः सहयोग करेगा। आपके काम की चारों तरफ तारीफ होगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी। आप किसी नए निवेश की योजना आज बना सकते हैं, लेकिन सतर्क और उचित सलाह जरूर है। परिवार के साथ समय बहुत अच्छे से बीतेगा। आज रोमांटिक संबंधों में मधुरता आएगी। यात्रा के योग बन रहे हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। आज का भाग्यशाली रंग सुनहरा है। आज का भाग्यशाली अंक 1 रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों। आपके लिए सहयोग और समर्थन आज का दिन दिलाने वाला है। किसी पुराने मित्र या संबंधी से सहायता आज आपको प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आप व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने परिवार के लिए समय निकालने की जरूरत है। आज आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तनाव और थकावट से आप प्रभावित आज हो सकते हैं। आज का भाग्यशाली रंग ग्रे रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 3 रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के। आज का दिन आपके लिए सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने वाला है। किसी पुराने विवाद का समाधान आज हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप अपने सहयोगियों का समर्थन आज पाएंगे। आर्थिक मामलों में भी लाभ की संभावना है। घर के कामकाज में भी आप आज बहुत व्यस्त रहेंगे। परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। आज का भाग्यशाली रंग गुलाबी है और भाग्यशाली अंक आज का 8 है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। चुनौतीपूर्ण वाला दिन रहेगा, लेकिन धैर्य और संयम बनाए रखें। कठिनाइयों का सामना करके आपको सफलता प्राप्त हो। कार्यस्थल पर कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्त और सहयोगियों का समर्थन आपके आज काम आएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उचित आराम लें। भाग्यशाली रंग मैरून रहेगा। आज का भाग्यशाली रंग अंक 6 है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी लोगों। आज अपने लक्ष्यों के प्रति पूरे तरह से फोकस करेंगे। नए प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत के लिए दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आज देखने को मिलेंगे। यात्रा की योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में भी दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज का रंग पीला है और आज का भाग्यशाली अंक 2 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों। आज कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिलने से आत्मविश्वास बनेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हो रहा है। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन नियमित अपने व्यायाम को नजरअंदाज ना करें। आज का भाग्यशाली रंग भूरा रहेगा। भाग्यशाली अंक की बात करें तो 10 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। बड़ा निवेश करने से भी बचना चाहिए। आज का भाग्यशाली रंग बैंगनी रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 11 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों।
आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति के संकेत मिलेंगे, किसी नए प्रोजेक्ट या काम में सफलता हासिल करेंगे, परिवार में किसी सदस्य के साथ थोड़ा विवाद बन सकता है, लेकिन समझदारी से सुलझा लें तो ठीक रहेगा। आर्थिक मामले में दिन लाभदायक रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। स्वास्थ्य तो सामान्य रहेगा, भाग्यशाली रंग तो नीला रहेगा, और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज 12 रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, तो आज विशेष विषय के साथ हमने चर्चा शुरू की और आचार्य जी ने आपको कई सारे उपाय बताए और आज का राशिफल जाना आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आचार्य जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम, मेरे राम की जय। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।